नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नए साल 2021 की हार्दिक शुभकामनाएं। इंसानों में, खासकर लड़कियों में, स्किन, डेंटल और हेयर को लेकर काफी चिंता रहती है। वेल, आजकल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी इसका काफी ख्याल रखते हैं, और हम जानते हैं कि इसके लिए कोलकाता या वेस्ट बंगाल में काफी सारे क्लिनिक्स हैं। सवाल ये है कि क्या पैसे देने के बावजूद भी लोगों को सही ट्रीटमेंट मिल रहा है, और ट्रीटमेंट के साथ साथ प्रॉपर मेडिकल एडवाइस और ह्यूमन टच, बिकॉज बोथ ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस मामले में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि साउथ कोलकाता के ट्रायंगुलर पार्क के पास इमेज क्लिनिक नाम की एक जगह है, जहां स्किन, हेयर और डेंटल केयर के साथ साथ लेजर ट्रीटमेंट भी मौजूद है। जी हाँ, और आज मैं यहाँ आपके सामने बैठा हूँ इमेज क्लिनिक में ही, और मेरे साथ मौजूद है इमेज क्लिनिक की मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर देवश्री बोनिक। वेलकम डॉक्टर। थैंक यू सो मच। सो डॉक्टर बोनिक, कोलकाता के लेक टाउन में आपकी परवरिश हुई, यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम JSS डेंटल कॉलेज डेंटिस्ट्री पे। मैंने पहले तो पढ़ाई की डेंटिस्ट्री में, फिर मेरे को लगा कि यू नो एस्थेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप किसी को देखते हो बहुत पास से, जब हम लोग टीथ देखते हैं बहुत पास से, वी सी द पेशेंट्स वेरी क्लोजली, राइट? तो उनका स्किन, उनका हेयर, सब कुछ बहुत नोटिस पे आता है। तब मैंने सोचा कि ऐसा कुछ क्यों नहीं हम लोग कर सकते हैं, जिसमें जहाँ पे सब कुछ साथ में हो, ऐसा कुछ सेंटर या ऐसा कुछ क्लिनिक जहाँ पे वी कैन गिव देम द एंटायर ब्यूटिफिकेशन टुगेदर। ये थॉट मेरा कॉलेज के थर्ड ईयर से ही थे कि ऐसा साथ में कुछ खोलना है। बट इनिशियली मैंने जब स्टार्ट किया, मैंने सोचा कि ठीक है, डेंटिस्ट्री से ही पहले स्टार्ट करते हैं। वही थॉट लेके द टूथ कंपनी एस्टैब्लिश हुआ, एंड बाय गॉड्स ग्रेस इट्स रनिंग वेरी वेल सिंस लास्ट 6.5 ईयर्स। अभी इमेज का जो है, इमेज हम लोग थोड़ा वेट करके मैंने खोला है, क्योंकि मुझे था कि आई विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन द क्वालिटी, एंड क्वालिटी सर्विस देने के लिए यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च एंड लॉट ऑफ लर्निंग। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एसोसिएटेड विद इट। बहुत सारे डॉक्टर्स को यू नो पैनल में लाना, जो जिन लोग ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड है इस सेम काइंड ऑफ प्रोफेशन से, एंड गुड इक्विपमेंट्स मार्केट में लाना, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। So I waited, I did my research, and then I opened Image Clinic. Such a friendly environment. आपको अच्छा लगा? बिल्कुल। Thought is, you know, very important actually. जो भी patients आते हैं, आके यही बोलते हैं कि हम लोग को बहुत अच्छा feel हुआ यहाँ पे। That feel good factor is very important, I think. जो भी patients आते हैं, specially dental treatment के लिए, they are very anxious. उन लोग को लगता है कि dentist सबसे scariest people on the planet होते हैं। But हम लोग वही कोशिश किए कि उन लोग को ऐसा नहीं लगे। जैसे जो dental chairs and equipments हम लोग use करें, chair में भी अलग से we have kept a music system, and okay. ताकि आराम से treatment भी कराए और relax होके कराए। Soothing. Yes, very much. Image clinic में medical director होने के साथ साथ आप smile designing और facial aesthetic expert भी हैं। तो आप दर्शकों को ये बताइए कि इमेज क्लिनिक बाकी जगहों से अलग क्यों? देखिए, क्लिनिक्स तो बहुत सारे हैं, बट हमारा क्लिनिक अलग है बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बियंस, ये तो आपने हम लोग बात ही कर ली है। सेकेंडली द इक्विपमेंट्स विच वी आर यूजिंग, इक्विपमेंट्स मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मैंने हम लोग जो सर्विस दे रहे हैं, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए एक्चुअली। सो ऑल आर USFDA अप्रूव्ड मशीन्स, वर्ल्ड क्लास मशीन्स, ताकि एक बार भी कोई इंटरनेट में जाके देखे कि ये नाम से, दे विल गेट द डिटेल्स। और हमारा स्टाफ जो है बहुत फ्रेंडली है। हम लोग ये इनक्रेज करते हैं कि हम लोग बैठ के यू नो डिस्कस करें कि आपको कैसा चाहिए। स्माइल भी जब डिज़ाइनिंग कर रहे हैं, वी सिट एंड डिस्कस विद द पेशेंट्स कि उनको कैसा चाहिए। सबका डिज़ायर सेम नहीं होता है। देन स्किन ऑल्सो यू नो वी कस्टमाइज द ट्रीटमेंट्स फॉर देम। उनको उनके स्किन के हिसाब से, उनका उस टाइम का वेदर के हिसाब से, एवरीथिंग मैटर्स अ लॉट। सो वी बिलीव इन कस्टमाइजेशन एंड to do something unique for the patient. At Image, we are a panel of doctors, 9 team of doctors hai jo you know individually jinko jo problem hai us hisab se hum log treatment karte hain. Dentistry mein alag alag branches hote hain, jaise bachchon ke liye periodontist, fir root canal specialist hote hain, fir surgeons hote hain,
सब अलग अलग ब्रेसेस के लिए ऑर्थोडॉन्टिस्ट होते हैं. देन वी हैव कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो आपको यू नो दे हेल्प यू अचीव अ गुड लुक्स एंड ऑल दोज थिंग्स. एंड डर्मेटोलॉजिस्ट है जो कोई भी स्किन के क्लिनिकल केसेस एंड यू नो एनी काइंड ऑफ स्किन प्रॉब्लम्स दे डील विद द प्रॉब्लम्स. सो इट्स अ गुड पैशनेट डॉक्टर्स की टीम है जो वर्क फॉर यू एंड वी आर वेरी फ्रेंडली. So we have so many diversified, you know, departments and disciplines. So I must say, patients को काफी ही, you know, अपने अपने अलग अलग तरीके के needs भी उनके fulfill होंगे क्योंकि हर किसी के problems अलग अलग होते हैं. Image clinic में ultra modern machines use होते हैं for various sort of therapies and treatments. तो Dr. Banik, अगर आप हमारे दर्शकों को उसके बारे में थोड़ा बताएं. First I'll start with dental. डेंटिस्ट्री में जो होता है पहले के टाइम में रूट कनाल्स होते थे 3 दिन में 4 दिन में. अभी के टाइम में वी हैव रोटरी एंडोडोंटिक्स एंड जो कि 1 or 2 days में रूट कनाल्स कंप्लीट होते हैं. फिर मेटल ब्रेसेस होते थे पहले, अभी सिरामिक ब्रेसेस भी आ गए हैं जो कि दांत के कलर के होते हैं, अभी देखने से पता भी नहीं चलता है. सो दैट काइंड ऑफ एडवांसमेंट. फिर एक्सरेज जो होते हैं डिजिटल एक्सरेज होते हैं, सो इंस्टेंटली हम लोग को पता चल जाता है कि व्हाट इज़ द नीड फॉर द ट्रीटमेंट एंड ऑल. फिर स्किन का भी यू नो वी हैव ऑल USFDA अप्रूव्ड वेरी गुड क्वालिटी मशीन्स. सो एनी काइंड ऑफ पिगमेंटेशन, एनी काइंड ऑफ टैनिंग, एक्ने मार्क्स, एक्ने स्कार्स, एनी काइंड ऑफ दिस काइंड ऑफ थिंग्स कैन बी टेकन केयर ऑफ. एवरीवन इज़ प्रेफरिंग मेडिकल ग्रेडेड सर्विस. मेडिकली अगर हम लोग उन लोगों को कोई हाइड्राफेशियल या कोई उनके स्किन के हिसाब से दे सकते हैं, सो दैट इज़ वेरी नाइस एंड दैट गिव्स अ वेरी नाइस काइंड ऑफ ग्लो एंड ऑल दोज थिंग्स. दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. हाँ बिल्कुल, मतलब इंटरव्यू के पहले भी आप जब कह रहे थे कि आजकल एक ट्रेंड हो गया कि लोग सुबह से उठने के साथ ही साथ थोड़ा ग्लोई दिखना पसंद करते हैं. So this medical treatment is definitely helping them, I guess. Yeah, people now prefer ki, you know, they get that look, they wake up like that. They want to wake up like okay. that. Yes. So that is very important and that is achievable also. इमेज में हम लोग एक चीज़ बहुत ध्यान दे के रखे हैं कि यू नो वी हैव केप्ट इट वेरी अफोर्डेबल ताकि सब कोई हम लोग के पास आए एंड वी कैन गिव देम दैट काइंड ऑफ सर्विस ऑल्सो. तो डॉक्टर बने, हमें और हमारे दर्शकों को स्किन ट्रीटमेंट, हेयर ट्रीटमेंट के बारे में थोड़ा बताएं. आपको शायद जानकारी नहीं है पर हमारे दर्शक बहुत स्मार्ट है अभी के टाइम पे. यस, दे नो ऑल द ट्रीटमेंट्स एंड अलॉन्ग विद दैट वी हैव यू नो सेमी परमानेंट मेकअप ऑल्सो. जो माइक्रो ब्लेडिंग ऑफ द आईब्रोज एंड लिप टिंटिंग, लिप ब्लशिंग, बहुत सारे अलग अलग ट्रीटमेंट्स भी हैं. डेंटल में तो मैंने बोल ही दिया सारा डिपार्टमेंट्स के जो भी लाइक फ्रॉम 8 to 80 वी हैव ट्रीटमेंट फॉर एवरीवन. स्किन के यू नो जो पार्ट में सब बहुत लिटिल पीपल दे फील लिटिल एंशियस एंड डिप्रेस जो होता है एक्ने स्कार्स, एक्ने ब्लेमिशेस, बहुत डीप पिट्स एंड यू नो मार्क्स, वो सब भी हम लोग वी कैन टेक केयर ऑफ दैट. इट टेक्स लिटिल टाइम, वो पेशेंस रखना बहुत ज़रूरत है बट इट कैन बी टेकन केयर ऑफ इन 3 to 4 सेशंस और 5 to 6 सेशंस. स्किन के सारे ट्रीटमेंट्स जैसे हेयर रिडक्शन हो गया, फिर वी हैव ऑल काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक मेडिको एसेटिक फेशियल्स एंड ऑल, बट जो थोड़े डिप्रेसिंग होते हैं स्किन के पिट्स एंड मार्क्स जो छोड़ जाते हैं एक्नेस का, दैट इज़ लिटिल डिफिकल्ट एंड टाइम टेकिंग. उसको थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर कोई डील करे देन वी कैन गिव देम अ वेरी क्लियर एंड नाइस स्किन डिपेंडिंग ऑन देयर सीवियरिटी. विल टेक लिटिल टाइम, बस यही है. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि अगर थोड़ा पेशेंस हम रख सकें तो सीवियर से सीवियर इश्यूज भी हम क्योर कर सकते हैं. डॉक्टर बनिक, हमें ये भी बताइए कि इमेज क्लिनिक का प्रेजेंस सोशल मीडिया में कितना है? देखिए अभी के टाइम में तो सोशल मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट है, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट से तो नहीं होता है बट वो वन ऑन वन इंट्रैक्शन जो है जो हम लोग करते हैं वही चीज़ हम लोग दिखाते हैं. सो दैट प्रेजेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी नया नया तरीका या जो भी नया नया ट्रीटमेंट्स होते हैं वो हम लोग डिजिटल मीडिया में फेसबुक कह लीजिए फिर इंस्टाग्राम वी डेली पोस्ट वी कीप इट अपडेटेड. वहीं से सबको पता भी चलता है एंड दे कॉल अस ऑल्सो कि इसको कैसे कर सकते हैं, विल इट सूट फॉर आवरसेल्व्स एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड ऑल्सो दे कैन बुक अपॉइंटमेंट्स ओवर. यस यस, दे कैन डीएम अस एंड दे कैन कॉल अस एनी टाइम. वाओ, इट्स अ वेरी नाइस मीडियम. हमारे यंग जनरेशन के लोग तो ऑब्वियसली दे आर ऑल सराउंडेड विद सोशल मीडिया, सो इट्स वेरी हेल्पफुल आई गेस. डॉक्टर बनिक, आपका फिल्म और मीडिया इंडस्ट्री के साथ जो ताल्लुक है वो काफ़ी मजबूत है क्योंकि आपके
हस्बैंड मिस्टर शतदीप शाहर एक सक्सेसफुल फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके साथ सिनेमा हॉल ओनर और फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, और आप खुद एक सेल्फ डिपेंडेंट वुमेन हैं क्योंकि आपने अपना करियर अपने बदौलत बनाया है। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि एज अ हस्बैंड उनका कितना सपोर्ट रहा। मैं ये ऐड करना चाहूँगी कि सिर्फ हस्बैंड का ही नहीं, मैंने अपना करियर खुद के बलबूते पे भी नहीं, माई पेरेंट्स हैव सपोर्टेड मी, माई पेरेंट्स हैव यू नो मेड दैट एफर्ट कि मैं कुछ बन पाऊँ। हाँ, मैंने पढ़ाई किया, आई हैव पुट दैट एफर्ट एंड टुडे आई एम हियर। हाँ, उन लोग का सपोर्ट तो था ही। आफ्टर दैट इन माई इन लॉज हाउस ऑल्सो यू नो माई हस्बैंड हैज सपोर्टेड मी अलॉट, माई फादर इन लॉ, माई इन लॉज, एवरी वन दे सपोर्ट मी ऑलवेज कि इनको ये करना है, अचीव करना है। सो ऑल माई ड्रीम्स आर वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। माई ब्रदर हैज़ बीन अ वेरी इंटीग्रल पार्ट, इंटीग्रल सपोर्ट इन माई लाइफ। माई सिस्टर इन लॉ, उन लोग को हमेशा है कि ये अगर कुछ करेगी शी विल डू गुड, एंड आई हैव ट्राइड यू नो टू मेंटेन दैट, ताकि मैं क्वालिटी में कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। एंड ऑल द डॉक्टर्स जो भी इमेज में है दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, एंड जो भी स्टाफ्स भी आप देखोगे दे आर ऑल्सो वेरी वेल एक्सपीरियंस्ड। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर इमेज क्लिनिक। तो दर्शकों, अब तक तो आप लोगों को इस इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर देवोश्रीवानी के इमेज क्लिनिक के बारे में काफ़ी कुछ पता चल ही गया होगा। तो देर किस बात की, जल्द से यहाँ आ जाइए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है कि हमारे फैमिलीज में किसी ना किसी को स्किन, हेयर या डेंटल प्रॉब्लम्स रहती है, राइट? तो आ जाइए टू इंडियाज वन ऑफ लीडिंग चेन ऑफ स्किन, हेयर एंड डेंटल क्लिनिक, और मोर प्रिसाइजली मेडिको एस्थेटिक क्लिनिक, राइट डॉक्टर? यस, वेरी मच डॉक्टर, थैंक यू सो मच, आप इतना समय दे पाए हमें, फॉर योर वैल्यूबल टाइम।